missing someone. Hi dosto, Haryana walon ko meri Ram Ram aur sabko mera hello. To abhi हम होटल में ही हैं, चेकआउट करने वाले हैं. सामान सारा हमारा बिखरा पड़ा है, अभी वहाँ भी है. कैमरेज वगैरह मैंने सब चार्ज कर लिए हैं. दूसरे यार बीकानेर में कुछ घूमने के लिए है नहीं. एक रामपुरी हवेली है, वो मैं अभी विजिट करके आ रहा हूँ. तो उसके बाद मैं सीधा जैसलमेर के लिए निकलूँगा. सब हो गया, ब्रेकफास्ट वगैरह भी कर लिया. तो अब निकलते हैं यहाँ से और आप लोगों को मिलते हैं बाइक पे. पैक कर लिया है मैंने अपनी बाइक को, क्योंकि अब जो रास्ता होने वाला है वो काफ़ी हार्ड होने वाला है मेरे लिए. क्योंकि अभी जितना आपने डेजर्ट देखा था वो कुछ भी नहीं था, अब इससे आगे डेजर्ट होने वाला है वो काफ़ी हार्ड रहेगा. ओ शिट, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड रहेगा. तो एक बार मैं रामपुरिया हवेली विजिट करता हूँ, क्योंकि बता रहे हैं कि अलग अलग आर्किटेक्ट्स जो इंडिया से बाहर गए हैं उन्होंने वो बिल्डिंग बनाई है आमने सामने. तो एक बार मैं उसको ज़रूर देखना चाहूँगा. वो थोड़ा सा ये मानो बीकानेर में ही है, वहाँ से फिर मैं सीधा जैसलमेर के लिए निकल जाऊँगा. अभी टाइम हुआ है 9:35 हुआ. ओके, 9:35 हो चुके हैं और एक झलक देख लो आप बीकानेर की कैसा दिखता है. भाई साहब बीकानेर में भी 110 भगा दी हमने, देख लो. अरे बीच में ही रोक दिया. कल मैं यहीं से गया था, मैं पैदल पैदल पूरा गया. मैं पहले मैंने टुक टुक लिया, दिल्ली भाषा में बोलूँ तो ऑटो, लेकिन मेरे को अपना पसंद है, मैं टुक टुक बोलता हूँ हमेशा उसको. तो उसको मैंने लिया, फिर मैं वापसी पैदल पैदल आया. ये कोई सरोवर टाइप है. ये कोई किला है, मेरे को नाम दिमाग में इसका घूम रहा है लेकिन मेरे को नाम याद नहीं आ रहा. तो कल ये मैं पूरा घूम के गया हूँ, देखा. बोले साइड ही नहीं करेंगे, बंदा आ रहा है बंदा जा रहा है, कोई मतलब ही नहीं है. अरे मेरे भाई का रेडिएटर भी चलता है. मेरे को एक्चुअली आवाज़ ही नहीं आती थी कभी, आज मैंने सुना अपनी बाइक का रेडिएटर, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं इसको ले के आया हूँ. ये है वो रामपुरिया हवेली. इसमें एक ऐसा है, यहाँ पे तीन हवेली हैं, एक ये, एक वो उससे आगे, एक वो बिल्कुल सामने. मेरे को याद नहीं है, मैंने सुना था ये अलग अलग मतलब कि आर्किटेक्ट ने बना रखी है. अब इसको ये अलग आर्किटेक्ट ने बनाई है, ये अलग है. जो इसका टाइल स्टाइल है वो रोमन टाइल स्टाइल है. 2000 years later. सब चारों तरफ जंगल ही जंगल है, दूर दूर तक.
बहुत ही खतरनाक वाला पैच है। 1.5 किलोमीटर हो गया मेरे को इस पे चलते हुए। शिट मैन, मैंने इंस्टाग्राम पे अभी रिसेंटली स्टोरी डाली थी कि मेरी बाइक के अंदर कूलेंट कम होता जा रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है इतनी गर्मी में बाइक चल रही है तो वो हीटिंग करेगी तो कूलेंट सबसे ज़्यादा यूज़ करेगी अपने आप को ठंडा करने के लिए। तो विक्रम भाई ने मेरे को सजेस्ट कराया है कि उनके पास भी डोमिनार है, उन्होंने बोला कि आपको कहीं पे भी पेट्रोल पंप या फिर कहीं पे भी इंजन ऑयल की कहीं पे भी दुकान हो तो वहाँ पे इजीली हमें कूलेंट मिल जाएगा। तो कूलेंट मुझे लेके सबसे पहले अपनी बाइक में डलवाना पड़ेगा। मैं कोशिश करूँगा कि बीच में कहीं मिल जाता तो ठीक है, नहीं तो पेट्रोल पंप पे तो मैं पूछता ही चलूँगा, कूलेंट कहीं ना कहीं तो मिल ही जाएगा मेरे को अपनी बाइक के लिए। बाइक चल रही है तो सुकून मिल रहा है मेरे को भी, मैंने भी अपनी जैकेट को पूरा खोल के रखा हुआ है, नीचे तक हवा लग रही है अंदर और पूरा मुंह को कवर कर रखा है क्योंकि मिट्टी वगैरह का काफ़ी इश्यू है, बीच बीच में कुछ पैच ख़राब भी आ रहा है। तो फ़ोन को तो रीसेट करके दोबारा चालू कर रहा हूँ तो चल रहा है, 1-2 घंटा निकाल देता, लेकिन उसके बाद फिर हैंग हो जाता है फ़ोन, क्योंकि साथ साथ में चार्जिंग लगा हुआ है और कंटिन्यूसली इस पे GPS चल रहा है तो उसकी वजह से भी हीटिंग कर रहा है, क्योंकि फ़ोन चल ही रहा है, उसकी डिस्प्ले चल रही है। बाकी आप नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो, और बाकी जो पुराने हो देखते रहो यार। ओके, तो ये जैसलमेर की मेरी राइड है, आज मेरा दूसरा दिन है, आज मैं जैसलमेर पहुँचूँगा, वहीं पर स्टे करूँगा, थोड़ा बहुत घूमूँगा, होटल मैंने पहले ही बुकिंग कर दिया है, तो मिलते हैं आपसे वहीं पे। 1 बजने वाला है तो खाने का टाइम तो हो ही गया, खाना पीना खा लेते हैं। और अभी जो हमारी डेस्टिनेशन है जैसलमेर, 280 किलोमीटर पीछे हूँ मैं अभी उससे, फिर बाद में उसको कवर अप करते हैं। सोनीपत हरियाणा। हरियाणा 165 किलोमीटर में जैसलमेर से पीछे हूँ। आई होप मैं 4 बजे के आसपास में पहुँच ही जाऊँगा, 2 बज चुके हैं। और जो मेरा राइडर ग्रुप था उसमें लोगों को सबको बताया कि मैं अकेला राइड कर रहा हूँ, तो कुछ लोगों ने मेरे को काफ़ी हेल्प करा है। तो एक भाई ने मेरे को, जैसलमेर में एक राइडर है उनका नंबर शेयर करा है, तो मेरी उनसे बात हो गई है, वो मीटअप करेंगे मेरे से मेरे होटल के आसपास कहीं पे, या होटल पे ही आएंगे, तो मिलते हैं उनसे, अच्छी बात है, थोड़ा सा लोकल घूम भी लेंगे उनके साथ। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ये, आप भी कभी राइड पे आओ इस तरफ तो रात को तो राइड करनी ही नहीं है, और दिन में भी करो तो इनसे बच के रहो, क्योंकि बाबा आप टकरा गए ना तो क्या होगा वो आप ही जानोगे, बाकी तो बाद में पता चलेगा सबको। पानीपत से हुआ, सोनीपत से हरियाणा, कौन सा नाम है तो? हरियाणा में अपना है, सोनीपत के अंदर ही है, हरसाना गांव है।
मेहनत नहीं है पंजाब तो सभी काम करते हैं। तो अभी यहाँ पे रुके हुए थे चलो बना लो हमारी हमारे सब्सक्राइबर न्यू सब्सक्राइबर। आपका नाम क्या है भाई? नरेश। नरेश हां जी। मेरा नाम दिनेश है भाई, मिलता जुलता है। आपका? विकास। विकास फकीर वाली भाई, पलमपुर फकीर वाली। तो वहीं पे जा रहे हो तुम लोग भी? नहीं हम सम जा रहे हैं। सम? हां चलो ठीक है। तो ये काफी टाइम से फॉलो कर रहे थे, बीच में भी इन्होंने हाथ दिया था और अब ये यहाँ पे रुके हुए थे तब जाके यहाँ पे मीटअप हुआ इनसे। तो न्यू सब्सक्राइबर है हमारे, वीडियो देखेंगे आने वाले टाइम में। आप भी देखना, आपने नहीं करा अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि जोधपुर में हम जो धमाल मचाने वाले हैं वो कोई नहीं मचाएगा। बाय। 2 hours later. अभी मैं गड़ीसर लेक आया हुआ हूँ और साथ में मेरे गौरव जी हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, आपने पूरी वीडियो देखी होगी तो मैं आपको बाइक राइड जब कर रहा था आपको बता चुका हूँ इनके बारे में। तो ये हमें यहाँ पे थोड़ा सा घुमा रहे हैं, एक्सप्लोर करा रहे हैं, उसके बाद फिर कल हम सीधा तनोट माता मंदिर के लिए निकल जाएंगे।